हवामान विभाग मनोरमा मोहंती प्रेस कॉन्फरेंस करी रहा छे, वरसाद वरसी रह्यो छे तेने लईने। मैडम फोरकास्ट क्या रहेगा आज पूरे दिन बारिश रहेगी, 5 दिन का फोरकास्ट क्या है? आज 26th के लिए, आज के लिए पूरे गुजरात रीजन में बारिश रहेगी। सौराष्ट्र कच्छ में भी कुछ कुछ जगहों में बारिश होने का संभावना है, अर्थात थंडरस्टॉर्म का साथ, लाइटनिंग का साथ। और जब थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग रहेगा तब भी विंड भी स्ट्रांग रहने का संभावना है। और अभी मोस्टली जो ज़्यादातर बारिश होने वाला है, अभी बारिश ऑलरेडी हो चुका है कुछ कुछ जगहों में, और अभी ज़्यादातर बारिश रहेगा हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न गुजरात में, जैसे दाहोद, पंचमहल, आरावली, महिसागर, दाहोद, देन आपका पाटन, गांधीनगर, सारे जगह में, गुजरात रीजियन में पूरा वाइड स्प्रेड रेन रहेगा। लेकिन कहीं कहीं जगहों में हेवी भी हो सकता है, हेवी रेन जैसे वलसाड, नवसारी, सूरत, इवन डांग, तापी में भी हो सकता है, दाहोद हो सकता है, छोटा उदयपुर और आरावली महिसागर में भी हेवी होने का संभावना है। और सौराष्ट्र कच्छ देखा जाए तो भावनगर, बोटाद, अमरेली में आइसोलेटेड प्लेसेस में हेवी रेन हो सकता है। आज के दिन ही बरसात रहेगी कि? आज का दिन ही बरसात रहेगी, लेकिन बरसात इसका मूवमेंट काफी फास्ट है, बहुत जल्दी बरसात निकल जाएगी। कल पूरा मतलब पूरे गुजरात में बारिश बहुत कम हो जाएगा, और बारिश मोस्टली कल जो रहने का संभावना है एक्सट्रीम साउथ गुजरात रीजन में, जैसे वलसाड, नवसारी, सूरत, तापी, डांग में हो सकता है, एंड सौराष्ट्र में भावनगर, अमरेली में भी कल हो सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ द स्टेट से बारिश कल निकल जाएगा। मतलब बारिश की वजह अभी क्या? अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का एक सिस्टम है, दूसरा ईस्टर्ली जो है, ईस्टर्ली ट्रफ है, और एक सर्कुलेशन नॉर्थ ईस्ट अरबियन सी में है। ये कुल मिला के 2-3 सिस्टम के कारण से पूरे गुजरात में बारिश हो रही है। विजिबिलिटी बारिश का टाइम में थोड़ा डाउन रहेगा, अभी मॉइस्चर कंटेंट भी काफ़ी ज़्यादा है, विजिबिलिटी डाउन रहे, लेकिन कल मोस्ट पार्ट ऑफ द सिटी में मोस्टली विजिबिलिटी इंक्रीज करने का संभावना है। टेम्परेचर क्या रहेगा, घटेगा? टेम्परेचर, डे टेम्परेचर आज का यानी बहुत 5-6 डिग्री डाउन रहेगा कल से, और नाइट टेम्परेचर भी 5-6 डिग्री डाउन रहेगा कल का कंपेरिजन से। कल से क्या रहेगा? कल से स्लोली इंक्रीज करेगा, परसों से नॉर्मल आ जाएगा। परसों फिशरमैन वार्निंग साउथ गुजरात कोस्ट के लिए दिया गया है, मोस्टली स्ट्रॉन्ग विंड होने का संभावना है और बारिश का साथ, इसलिए साउथ गुजरात कोस्ट में जो फिशरमैन वार्निंग ओनली डे वन के लिए, आज के लिए ही फिशरमैन वार्निंग है, कल से फिशरमैन वार्निंग नहीं है, हेवी रेनफॉल वार्निंग नहीं है, इवन थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का भी वार्निंग नहीं है। विंड स्पीड 30-40 किलोमीटर पर आवर, गस्टिंग 50 किलोमीटर पर आवर लैंड एरिया में हो सकता है, जैसे वो हर रोज नहीं रहेगा, लेकिन जब थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी और लाइटनिंग होता है तब भी ही रहेगा, और बहुत कम टाइम के लिए विंड स्पीड हाई रहेगा, 1-2 घंटे के लिए। लेकिन कोस्ट में हमने अगले 24 आवर्स के लिए वार्निंग दिया है, साउथ गुजरात कोस्ट में, वहाँ 40-50 गस्टिंग 60 किलोमीटर पर आवर हो सकता है। मोस्टली जब थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग होता है तब ही रहने का संभावना है। तो आज राज्यभर में वरसादी माहौल रहेशे। मनोरमा मोहंती के जमणे मीडिया ने संबोधित करता कहू छे के हवामान बदलायेलू छे अने आजे तो आखो दिवस वरसादी माहौल रहेशे, सौराष्ट्र सहित दक्षिण अने उत्तर में पण वरसाद रहेशे, दक्षिण अने उत्तर गुजरात में भारी वरसाद थई शके छे, सौराष्ट्र में पण अमुक जग्याओ पर भारी वरसाद रहेशे। माछीमारों ने हाल दरियो न खेडवा माटे अपील करवामां आवी छे, आवतीकालथी 4-5 डिग्री तापमाननो पारो पण गगड़शे अने ठंडीनो अहेसास थशे। ताजा खबरों पर नजर, सूरत में वरसेला कमोसमी वरसाद ने कारण